गाइस, वेलकम बैक टू सोनू परवेज व्लॉग। आज मॉर्निंग में मैं उठी और देखा तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ठंड हो गई है। बाप रे बाप, कितनी ठंडी पड़ गई है। और मैं मस्त वीडियो शूट करने चली गई और जस्ट 5 मिनट के बाद मैं अंदर आई और उसके बाद जो देखा तो इतनी बारिश, मतलब बहुत ही ख़तरनाक वाली बारिश, हवा बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद बस पूरा दिन बच्चों के साथ स्पेंड किया, बारिश के मज़े लिए और मेरी बच्चों ने मस्त मस्त ड्राइंग की थी, आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चे जब ऐसी एक्टिविटी करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी आयशा बहुत अच्छे से ड्राइंग कर लेती है, उसको देख देख के हसद भी। और ये दाल बनाई थी मैंने ये दाल इसीलिए बताई बिकॉज़ ये सेम दाल ना मेरे साथ जब बनाते हैं ना तब ऐसी ही दिखती है। कुछ चीज़ें ना दिखने से भी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए और टेस्टी भी उससे भी यम होता है। हाँ, और फिर उसके बाद शाम को ये वाला व्यू था। थोड़ी सी बारिश थम गई थी, इतना मस्त व्यू आया था ये वाला। और बस उसके बाद मैंने चिकन लॉलीपॉप की प्रिपरेशन की। ये देखिए, हमने चिकन लॉलीपॉप ले लिए, ये रेडी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, ये ग्रीन चिली पेस्ट है, ये हमने डाल दिया 1 स्पून जैसा। और अब हम ये भी ऐड कर लेंगे, नमक एंड ब्लैक पेपर। और इसमें हमने रेड चिली पाउडर थोड़ा सा लिया, फिर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा रेड कलर फूड कलर है थोड़ा सा, इन तीनों को मिक्स करके मैंने रख दिया था। बस सब डाल दिया साथ में और अभी हम सब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें डालना था, एक डालना था, लेकिन मैंने डाल दिया मैदा और कॉर्नफ्लावर। बट कोई बात नहीं मैं एडिट करते करते कसम से कार्तिका हंस रही है मेरे पे, बट एक्चुअली ये सच बात है। बट इट्स ओके, मेरे से तो ये भूल हो गई बहुत बड़ी। बट प्लीज़ आप लोग पहले एग ऐड करना, उसके बाद कॉर्नफ्लावर और मैदा ऐड करना। बाद में हमें नींबू भी डालना है। नींबू में अच्छे से मिक्स करके रख दिया मैंने, 1 आवर जैसे रख दिया था, तब तक मैंने चटनी की प्रिपरेशन की। और चटनी में हमने लिया 1 कटोरी धनिया और 1 कटोरी पुदीना, उसमें 1 ग्रीन चिली डाल दी और 1 कुछ तिल है, नमक है और नींबू। और मेरे पास दही नहीं था तो बस मेरे पास पड़ा था क्रीम चीज़, मैंने वो यूज़ कर लिया। आप मानोगे नहीं क्या ही टेस्ट आया था, बहुत यम्मी टेस्ट आया था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बट आप इसके आपके पास नहीं हो तो आप दही भी यूज़ कर लेना, मेरे पास दही नहीं था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। मैं कभी कभार ऐसे कर लेती हूँ, टेस्ट आ ही जाता है। सही में टेस्टी बना था, बहुत यम बना था। ये बन गया। फिर हमने तेल गरम करने रखा, अच्छे से तेल गरम करना है हमें हाई फ्लेम पे। फिर जब हम ये लॉलीपॉप इसमें डालें तब हमें फ्लेम हमारी मीडियम कर लेनी है और फिर अच्छे से इसको कुक होने देना है। ऐसे 5 मिनट छोड़ देना है, हाथ नहीं लगाना। बाद में हमें क्या करना है कि ये जो होता है ना तबेता, इसको क्या बोलते हैं आप पता नहीं, मैं तबेता बोलती हूँ, तो इसी से ही हमें इसको स्टर करना है क्योंकि ये टूटेगा नहीं। और इस बात का हमें ध्यान देना है, इसको पहले तो 5 मिनट छोड़ ही देना है, बाद में ही इसको टच करना है। बस देखो ये बन गए, इसको एटलीस्ट 15 मिनट लगे ही थे, 10 से 15 मिनट लगते पकने के लिए अच्छे से, ज़्यादा नहीं। और ये हो भी जाता और इतना सॉफ्ट और इतना मस्त बना था, टेस्टी, मेरे बच्चे तो बहुत खुश हो गए। तो देखो ये फाइनल डिश है, बहुत यम्मी बना था। और उसी दिन नाइट का ये व्यू है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, दिवाली के बाद की छुट्टियाँ ख़त्म, दिवाली के और स्कूल चालू। उसके बाद मम्मी पापा आ गए थे घर पे, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, मम्मी पापा बैठे, थोड़ी सी गपचप की, नाश्ता किया एंड वो लोग चले गए। फिर उसी दिन शाम को ये मैंने मम्मी को भी दे दिया था, थोड़ा सा चिकन था मेरे पास, बट मैंने उसी दिन थोड़ा सा चिकन ड्रम में ऐसे डिप करके वो भी अलग से बना लिया था। आप ऐसे भी बना सकते हो। बस हमने फिर ब्रेकफास्ट किया और ये भी बहुत यम्मी बना था। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।